हे गाइस, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ लोटस बोटानिकल्स का बायो रेटिनॉल यूथ रेडियंस स्लीपिंग मास्क। ये बायो रेटिनॉल और नॉर्मल रेटिनॉल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्योर प्लांट पावर का यूज़ किया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? अब मैं वीडियो शेयर करती हूँ फैशन, ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर से रिलेटेड एंड हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट एंड वीडियोस। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ टेक ए मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम समथिंग मैजिकल 09 इज माई हैंडल, सो यू कैन फॉलो मी देयर। सो दोस्तों, आज मैं आपके संग में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्ट आपकी स्किन केयर रूटीन में। अगर आप ऐड करते हो कुछ ऐसे स्टेप्स तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे और कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है एक स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क दोस्तों क्या चीज़ होती है, अब आप लोग कई सारे लोग पूछने वाले हो मुझसे, तो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, स्लीपिंग मास्क एक ऐसा स्टेप है जो आपके स्किन केयर रूटीन में सबसे एंड में आता है, यानी कि सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। स्लीपिंग मास्क दोस्तों हमेशा नाइट के टाइम पे ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो बेनिफिट होते हैं वो आपको यू नो दुगने मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड ऑन करते हो तो आपको इसके बहुत अच्छे दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं फॉलो करती हूँ तो सोचा कि मैं आपके संग में भी शेयर करूँ। जैसे कि हमारी जो स्किन होती है वो नाइट के टाइम पे रिपेयरिंग मोड में होती है, यू नो हीलिंग मोड में होती है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एंड ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं हो पाते हैं स्पेशली इस समर टाइम पे। तो मैं आपको नाइट के टाइम पे एक यू नो सलाह दूंगी कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जब आप 30s यू नो क्रॉस कर रहे हो या आपकी स्किन 20 प्लस हो चुकी है, तो भी आप अगर रेटिनॉल को यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और 30 के बाद तो एकदम मस्ट हैव प्रोडक्ट है दोस्तों ये, क्योंकि रेटिनॉल एक यू नो ड्राइव्ड है, यू कैन से कि ये एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है। तो दोस्तों आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है लोटस बोटानिकल्स का बायो रेटिनॉल यूथ रेडियंस स्लीपिंग मास्क। ये दोस्तों स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर रिड्यूसिंग द फाइन लाइंस एंड नरिशेज योर स्किन। ये प्रिजर्वेटिव एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है एंड देयर इज नो टॉक्सिक एट ऑल। एंड दोस्तों ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, पीएच बैलेंस्ड है। तो दोस्तों हमें बायो रेटिनॉल्स का ये जो फॉर्म है दोस्तों ये डायरेक्टली डेरिवेट किया गया है विटामिन ए से, एंड यू नो दीज ऑल आर काइंड ऑफ होली ग्रेल प्रोडक्ट एंड आपके रिड्यूस करते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को, एंड आपके जो प्रोडक्शन होता है कोलेजन लेवल का उसको भी यू नो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोई एंड रेडियंट बनाने में हेल्प करता है। सो आफ्टर क्रॉसिंग 30s हमारी जो कोलेजन का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए हेल्प करता है इनको दोबारा से यू नो प्रोड्यूस करने में, एंड आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है इनको यू नो दोस्तों रिपेयर करता है। ये सभी स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। तो है 695 रुपीज़ का, ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। ये कुछ इस टाइप के आपको कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट मिलता है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप देख सकते हो एकदम जेल काइंड की इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना ज़्यादा हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को और ये बहुत ही क्विकली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, विच आई लाइक। एंड साथ ही साथ दोस्तों हाइड्रेशन भी देता है। तो वो अप्लाई कैसे करना है मेरे फेस पे दोस्तों भी कुछ भी नहीं है, सबसे लास्ट में दोस्तों ये प्रोडक्ट जाएगा आपकी स्किन में सारे प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद में, लाइक सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लेते हो देन लास्ट में आपको ये प्रोडक्ट अपने स्किन में ऐड करना होता है। सो आप देख सकते हो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हेल्दी, ग्लोई एंड प्लम्पी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों जब आप उठते हो मॉर्निंग में तो आपको अपना फेस इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा आपको एक ग्लो देखने को मिलता है, आपकी स्किन हेल्दी देखने को मिलती है। जो दोस्तों इसकी जो फ्रेग्रेंस आती है बिल्कुल प्लांट बेस्ड यू नो, लाइक दोस्तों इसमें जो रेटिनॉल लिया गया है वो एक नॉर्मल रेटिनॉल नहीं है, इसमें बायो रेटिनॉल एक्टिव्स का यूज़ किया गया है जो कि प्योर प्लांट बेस्ड यू नो पावर का यूज़ किया गया है। अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करो, बहुत सारा पानी पियो एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स अगर आप लेते हो अपनी डाइट में तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स यू नो बहुत ही अच्छे से यू नो फाइट करने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड
जो दोस्तों ये आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना यहाँ पे फाइन लाइंस एंड ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है ना वो डे बाय डे एंड एज बाय एज दोस्तों आपके यू नो बहुत ही ज़्यादा जो पोर्स होते हैं ना वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऐसी चीज़ें आप अपने स्किन केयर में ऐड करो जो आपके एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन करने में हेल्प करें एंड आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइज। एंड जो दोस्तों इसका परचेज लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय।